Hey, alright, so what's up everybody? Welcome back to my channel. This is Sal Chakras back again with a new day, new vlog. And आज है 30th September and आज मेरा last internal exams of semester 3. तो आज हम वो देने जा रहे हैं and आज के vlog में हम discuss करेंगे what I am pursuing, what is like the course I am doing for my undergraduation. और लाइक ऐसे मुझे लाइक सामने से बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए और पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज आए. सब जूनियर्स ने पूछा है कि लाइक जो लोग 12th में हैं एंड राइट नाउ देर इन 12th एंड दे आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, लिटरली वेरी कंफ्यूज कि अभी आगे वो क्या ले अपने लाइक ग्रेजुएशन के लिए. सो इसीलिए मुझे पूछे कि मैं भी ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट था तो मैंने क्या लिया एंड व्हाट इज़ माई फ्यूचर गोल्स टुवर्ड्स इट. तो चलो आज ये डिस्कस करते हैं इस ब्लॉग पे आराम से एंड आपको भी एक ओपन माइंड से हो जाएगा कि ये कोर्स अगर लेते हो आप तो आपका करियर पाथ किस किस तरह से खुल जाता है. बिना वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. राइट नाउ इट्स 7:10 एंड आई एम गेटिंग लेट फॉर माय कॉलेज एग्जाम. सो फटाक से चलते हैं वहाँ पे एंड फिर वो खत्म करते हैं आपसे डिस्कस करते हैं. तो भैया अभी जस्ट एग्जाम्स ओवर हुए और अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने. मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है मुझे और क्योंकि सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है तो हम लोग 6:30 के करीब उठते हैं और 7 बजे निकल जाते हैं. तो वही थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खा के निकलता हूँ मैं. तो भैया और आज एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं. पहले तो हम लोग का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों साथ में होने का बात था. क्या हुआ ये भी बताना, पेपर कैसे लिया? हाँ यार, आज स्पेशली हम लोग का पेपर था. मतलब कि मीडिया स्टडीज इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट ऑफ आर कोर्स एंड आज लास्ट पेपर उसका ही था. आई मीन ईच डे, मतलब पर डे वी आर गिविंग 2 सब्जेक्ट्स. तो आज हम लोग का था इंट्रोडक्शन टू फोटोग्राफी. फोटोग्राफी इज़ वेरी इजी बिकॉज आई यूज़ कैमरा एंड मतलब अच्छी खासा आइडिया है. बट मीडिया स्टडीज इज़ ऑल अबाउट थ्योरी एंड हिस्ट्री. तो भाई मतलब ऐसे लग रहा था कि बस पास हो जाए, पास मार्क्स निकल जाए. आई वॉज गिविंग द एग्ज़ाम. तो चलो करते 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 आई वॉज जस्ट फीलिंग कि भाई कब 10 बजे मैं निकलूँ, पेपर दूँ, निकलूँ. तो इट वॉज लाइक दिस. सो फाइनली एक्सटर्नल भी हम लोग का होने वाला था लाइक अक्टूबर पे, फ्रॉम अक्टूबर 10 टू अक्टूबर 10-16. बट फॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट हैपनिंग पोस्ट दिवाली वैकेशन. तो अभी कुछ दिनों में दिवाली वैकेशन होने वाले हैं. वी आर गोना गो टू आवर होम, उसके बाद वापस आके एग्ज़ाम दिया जाएगा. तो थोड़ी बहुत टाइम मिल गई है एंड सिलेबस भी पेंडिंग था तो वो भी अभी कॉलेज वापस चालू होगा तो करवाया जाएगा. तो या बेसिकली आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ दुर्गा पूजा वैकेशन. तो मेरे नॉर्मल क्लासेस चलने वाले हैं एंड आई हैव 2 इवेंट्स टू डू ऑल्सो. तो ये लाइफ गोज ऑन. ऑलराइट, तो अब बात करते हैं हम कि मेरे क्या सब्जेक्ट्स हैं एंड व्हाट आई एम परसुइंग. सो बेसिकली मैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा हूँ एंड इस कोर्स में हमें लाइक एडवर्टाइजिंग एंड जर्नलिज्म के बारे में पढ़ाया जाता है. और मेरा जो कोर्स का जो शॉर्ट टर्म है उसको BMM कहा जाता है, विच मीन्स बैचलर्स इन मास मीडिया. तो अब मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि लाइक व्हाट इज दिस कोर्स इज ऑल अबाउट. तो बेसिकली इस कोर्स में हमें एडवर्टाइजिंग एंड जर्नलिज्म के बारे में पढ़ाया जाता है. कोई भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं राइट फ्रॉम साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स. बट बेसिकली आज मैं इस वीडियो पे आर्ट स्टूडेंट्स के बारे में ही बताने वाला हूँ एंड आई एम गोना शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ दिस होल फर्स्ट ईयर. मुझे क्या क्या सीखने को मिला और सेकेंड ईयर में मुझे क्या सीखने को मिल रहा है एंड थर्ड ईयर में मुझे क्या मिल सकती है. ये ब्लॉग एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होने वाला है. मेरे लाइक डिग्री के बारे में अगर बताओ तो सबसे पहले तो आपको कन्फर्म होना पड़ेगा कि आपको लाइक जेन्युइनली पूछना पड़ेगा कुछ से कि आप एक मीडिया डिग्री के लिए, एक मीडिया इंडस्ट्री में जाने के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं हो. लाइक ये डिग्री ऐसे मत PR प्रेशर में आके मत ले लो या फिर ये सोच के मत ले लो कि भाई ये डिग्री परसू कर लेते हैं, इसमें फेम भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, फन भी होगा और ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, जो होगा सब प्रैक्टिकल बेस्ड होगा. तो भैया अगर आप ये सोच रहे हो तो बहुत ज़्यादा गलत फैमिली में हो बिकॉज BMM, BAF, BBI ये सब डिग्री में जितना प्रेशर होता है ना वो और शायद से किसी कोर्स में होता होगा. अभी जैसे कि
कैसा है कि इंजीनियरिंग अगर कर रहे हो तो इंजीनियरिंग में पहला 1 साल 1.5 साल आप मजे मार सकते हो, आप लिटरली लेजिट लाइक एक कॉलेज लाइफ एंजॉय कर सकते हो, बट बीएमएम में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज आपको पता है हाउ फास्ट दिस मीडिया इंडस्ट्री वर्क्स। तो अगर एक मीडिया इंडस्ट्री इतना तेजी से काम करता है तो सोच लो आपकी पढ़ाई कितनी ज्यादा तेजी से चलेगी और आपको कितना ज्यादा प्रेशराइज किया जाएगा कॉलेज की तरफ से। पर मैं भी एक टाइम पे जब मैं 12th में था और जब मैं 12th खत्म हो रहा था तो आई वाज आल्सो वेरी कंफ्यूज्ड। मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हुआ लू तो लू क्या, आई रिसर्च्ड अ लॉट एंड देन आई सॉ दैट बीएमएम इज अ काइंड ऑफ अ डिग्री व्हिच विल सूट मी बिकॉज मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसे कैमरा के सामने रहना बहुत ज्यादा पसंद है, चाहे वो कोई भी कैमरा हो चाहे वो कोई भी जगह हो। एंड मुझे लाइक टेक्निकल स्किल्स में भी काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि लाइक टेकिंग अ सिनेमैटिक शॉट्स, डूइंग वीडियो एडिटिंग, लाइक डूइंग म्यूजिक एडिटिंग, तो फोटो एडिटिंग, फोटोग्राफी, ये सब में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो फिर आई थॉट बॉस दिस कोर्स इज जेन्युइनली फॉर मी, दिस कोर्स इज ऑफ 3 ईयर्स, ऑफकोर्स ये एक यूजी डिग्री है, तो इस पे आपको पहले 2 साल पढ़ाया जाएगा बोथ एडवर्टाइजिंग एंड जर्नलिज्म। और जब आप 3rd ईयर पे आते हो तो 3rd ईयर आपका रहता है स्पेशलाइजेशन सेमेस्टर। स्पेशलाइजेशन सेमेस्टर इसीलिए कहा जाता है, स्पेशलाइजेशन ईयर इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इस पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप क्या चूज करोगे, रेदर यू आर गोइंग फॉर एडवर्टाइजिंग और यू आर गोइंग फॉर जर्नलिज्म। जो लोग जर्नलिज्म के लिए ऑप्ट करेंगे तो ऑफकोर्स लाइक देन उस पूरा 1 साल जो फाइनली रहेगा उस पर आपको एज अ जर्नलिस्ट ट्रेन किया जाएगा, आपको लाइक न्यूज मीडिया हाउसेस भेजे जाएंगे, आपको वहाँ पे एज एन असिस्टेंट काम करना पड़ेगा, एज अ लाइक असिस्टेंट ऑफ एंकर, असिस्टेंट ऑफ रिपोर्टर्स आपको काम करना पड़ेगा, आपको देख देख के सीखना पड़ेगा, सिखाया जाएगा आपको, इंटर्नशिप्स आएंगे आपके पास। अगर आप एडवर्टाइजिंग लेते हो तब आपकी दुनिया अलग रहेगी, आप थोड़ी सी चिल आउट कर सकते हो बिकॉज एडवर्टाइजिंग का स्टार्टिंग ग्रोइंग फेज उतना ज्यादा हसल नहीं है, लेकिन अगर आप एडवर्टाइजिंग मार्केट में एक बार आप घुस गए, प्रॉपरली घुस गए, तो भाई साहब आपकी बहुत लगने वाली है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा हसल कराया जाता है। तो जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, तो फर्स्ट ईयर में जब हम लोग थे तो हमको ओवरऑल एक लाइक रफ व्यू दिया जा रहा था कि इस कोर्स में होने क्या वाला है, इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग, इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म, कंटेंट राइटिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सब के बारे में पढ़ाया जा रहा था, मीडिया जेंडर एंड कल्चर, मीडिया का क्या कल्चर है, सब के बारे में ओवरव्यू दिया जा रहा था। सेकेंड ईयर में जब आए हम लोग को तो हम लोग को लाइक इंट्रोडक्शन टू फोटोग्राफी पढ़ाया गया, ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल बातें पढ़ाए जा रहे हैं अभी फिलहाल, जैसे कि एडोब फोटोशॉप हुआ, एडोब लाइक प्रीमियर प्रो, एडोब ऑडिशन, कोरल ड्रॉ, ग्राफिक डिजाइनिंग लिटरली सिखाया जा रहा है हम लोग को कि अगर हम लोग एडवर्टाइजिंग ज्वाइन करते हैं, एजेंसी ज्वाइन करते हैं, ऐसे ग्राफिक डिजाइनर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वी हैव टू डिजाइन लोगो फॉर देम, वी हैव टू डिजाइन लाइक प्रोडक्ट्स, 3D मॉडल्स हमें बनाने पड़ेंगे फॉर द प्रोडक्ट प्रमोशन, तो ये सब के बारे में हमें सिखाया जा रहा है। इंटरेस्टिंग भी है एंड मेहनत भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, लाइक लेजिट फ्रॉम योर प्रैक्टिकल्स और थ्योरी, और ऐसा भी नहीं कि हम लोग बस प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली करते हैं, हमें थ्योरी भी मैनेज करना पड़ता है, तो वी बोथ सिंक्रोनाइज दोज थिंग्स एंड देन वी मूव ऑन विद आवर लाइक वट एवर वी आर परसुइंग। तो यही बात है। और जैसे कि हमारा अभी सेकेंड ईयर में ये एक सब्जेक्ट है फिल्म कम्युनिकेशन 1 एंड सेमेस्टर 4 पे फिल्म कम्युनिकेशन 2 आएगा, तो उस 2 पे हम लोग को शॉर्ट फिल्म बनाने पड़ेंगे। फिलहाल हम लोग फिल्म कैसे बनाते हैं वो पढ़ रहे हैं, और अगले सेमेस्टर में हम लोग फिल्म बनाएंगे, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि कितने टाइप के सिनेमैटिक शॉट्स होते हैं, किस किस एंगल से आप लाइक शॉट्स ले सकते हो, कितने एंगल्स होते हैं, तो ये सब कुछ हमें समझ में आ रहा है, अभी हम लोग को पढ़ाया जा रहा है, अगले सेमेस्टर में हम लोग को प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। अभी सेमेस्टर 3 पे आ चुके हैं, तो अभी हम लोग को लाइक सामने से टॉपिक दिया गया कि आप एनजीओ पे जाए और एनजीओ का जो भी ओनर है उनसे आप बातचीत करें और उनको कुछ सवाल जवाब करें। तो हमें वो 10 हम लोग को लाइक कॉलेज से दे दिया गया था वो 10-15 क्वेश्चन जिसके ऊपर हमें एज एन रिपोर्टर उनके पास जाना था और उनसे ये इंटरव्यू लेना था। इस इंटरव्यू का ऑफकोर्स मार्क्स था, तो इसके बेसिस पे कि हम लोग कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, हमारी रीडिंग स्किल कैसी है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, उसके ऊपर जज किया जाता है हमें। तो बेसिकली यही एक प्रॉपर कोर्स है जिसके ऊपर से हम लोग जा रहे हैं। तो भैया अब आते हैं कि आप ये कोर्स इंडिया में कौन से लाइक सिटीज पे कर सकते हो। तो बेसिकली इंडिया में ये 4 सिटी टॉप लिस्ट पे आती है इस कोर्स के लिए, 1 इज मुंबई, द सेकेंड इज दिल्ली, 3rd इज कोलकाता एंड 4th इज बैंगलोर। बैंगलोर पे आप मतलब कि आपको ये जो लाइक डिग्री है वो परसू करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट द एडवर्टाइजिंग पार्ट, बट आई एम सेइंग फॉर द जर्नलिज्म पार्ट बिकॉज लाइक दैट इज कम्प्लीटली डाउन साउथ। अच्छा आप लोग को ये बात कितनों को पता है कितनों को नहीं है मुझे नहीं आइडिया है, बट इन साउथ दे प्रिफर लाइक स्पीकिंग टू साउथ लैंग्वेज मोर देन हिंदी और इंग्लिश।
बिकॉज जेन्युइनली दे रिस्पेक्ट देयर रीजनल लैंग्वेज सो मच. यहाँ ये सिर्फ लाइक बैंगलोर की मीडिया फील्ड की बात नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट लाइक साउथ फिल्म इंडस्ट्री टू, बिकॉज वहाँ पे लाइक एक्टर से लेके डायरेक्टर से लेके एवरीबडी कम्युनिकेट इन लाइक देयर ओन रीजनल लैंग्वेज, बिकॉज दे रिस्पेक्ट एंड दे लव देयर लैंग्वेज सो मच. सो इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन जर्नलिज्म फील्ड बाई स्टेइंग इन बैंगलोर एंड बाई स्टडिंग इन बैंगलोर इटसेल्फ, देन सबसे पहले तो बॉस आपको वहाँ का रीजनल लैंग्वेज सीखना पड़ेगा विच इज कन्नडा. तो वो सीखने के बाद फिर आपकी करियर में थोड़ी बूस्ट आ सकती है. बट अगर आप मुंबई, दिल्ली या फिर कोलकाता में करते हो तो फिर आपको ये थोड़ा लाइक कम होगा, बिकॉज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता तीनों ही जगह पे हिंदी का लाइक उपयोग किया जाता है. तो बेसिकली आपका फील्ड जो है वो लाइक एक सर्टेन एरिया पे बंद नहीं हो जाती है, आप ओपन टू ऑल हो जाते हो. आप अगर कोलकाता में करोगे तो कोलकाता में भी हाँ थोड़ी बहुत रीजनल लैंग्वेज पे आपको फोकस करवाया जाएगा, आपके एक टू बेंगली ते बेसी फोकस कराना होगा, बट आपके हिंदी ते फोकस कराना होगा, बिकॉज आफ्टर ऑल जर्नलिज्म इज अ ह्यूज फील्ड लाइक इन द होल इंडिया. सो बेसिकली यही है. एंड डिफरेंस बिटवीन अगर मैं कहूँ तो लाइक स्टडिंग इन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बैंगलोर इज कि मुंबई पे जो अगर आप बीएमए पढ़ते हो तो अगर इफ़ यू स्टडिंग लाइक अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी, इफ़ यू गेट द चांस इन मुंबई यूनिवर्सिटी अंडर में जो भी जितने भी कॉलेजेस है, तो आपका लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 100,000 में पूरे 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा. मेरे जो ग्रेजुएशन के जो लाइक फी पेमेंट का टाइमलाइन है दैट इज 74,000 फॉर 3 ईयर्स, सो विच इज ऑन एन एवरेज 23,000-24,000 पर ईयर. दिल्ली में इसका प्राइस समथिंग अराउंड 3 साल का 2 लाख है, 2 से 2.5 लाख है. एंड इन कोलकाता यू कैन कंसिडर 3 साल का 3 लाख है. तो पर ईयर यू कैन ऑन एन एवरेज इट्स 1 लाख फॉर द सेम कोर्स. बट डिफरेंस ही है कि मुंबई में, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर में अगर आप पढ़ाई करते हो तो लाइक द स्टडिंग इज वेरी चीप, कॉलेज लाइक वगैरह लाइक पढ़ना वढ़ना इज चीप, बट मुंबई में स्टे बहुत महंगा है. बिकॉज लास्ट ब्लॉक में हमने आपको प्रॉपरली मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि यहाँ पे कैसी होती है यहाँ पे लिविंग, लाइवलीहुड एंड ऑल, तो वो बात रह गया. हाँ, लेकिन अगर आप कोलकाता में पढ़ते हो तो फिर कोलकाता में आपका एकेडमिक का जो फीस है वो हाई रहेगा, पर आपका स्टे एंड लाइवलीहुड विल बी चीप, बिकॉज कोलकाता इज रियली वेरी चीप कंपेरेटिवली टू आई थिंक ऑल दी स्टेट्स इन दी लाइक इंडिया. एंड रही बात बैंगलोर की, तो बैंगलोर इज वेरी एक्सपेंसिव गाइज, यू गाइज नो, वन ऑफ दी लाइक रिचेस्ट सिटी में भी आता है और एक्सपेंसिव सिटी में भी आता है. दिल्ली तो एक जर्नलिज्म हब ही है, मीडिया हब ही है, वहाँ पे पूरे पॉलिटिक्स चलती है इंडिया की, तो वहाँ पे जर्नलिस्ट भी भरे पड़े हुए. मुंबई इज नोन एज दी लाइक मीडिया हब एंड दिल्ली भी उससे कम नहीं है, दिल्ली भी इसको जाना ही जाता है. तो ये बात अब आपके ऊपर है कि आपको कहाँ लेना है. आपको प्रॉपरली मैंने एक आइडिया दे दिया कि कौन सी जगह का कैसा सस्ता है कैसा नहीं है. और मुंबई के ऊपर तो मैंने पूरा लाइवली एक लाइक एक्सपेंसिव का वीडियो भी बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हो वो. बस यही है. लेकिन और एक बात, ये मत सोचो कि अगर आप तुमने लाइक अच्छे से स्कोर कर लिया बीएमएम पे लाइक यूजी कोर्स पे, और अगर आप मास्टर्स भी बहुत अच्छे नंबर से स्कोर करें, लेकिन आपके अंदर टैलेंट नहीं है, तो फिर आप मीडिया फील्ड में सर्वाइव ही नहीं कर सकते बॉस. दिस इज अ वेरी हार्श ट्रुथ आई एम जेन्युइनली सेइंग. आपका मार्क्स से ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कैमरा के सामने आने का चार्म, आपके लाइक कैमरा के सामने बात करने का, आपका ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने का कितना अच्छा करते हो, ये सब कुछ डिपेंड करता है इफ यू वॉन्ट टू रूल ओवर दिस मीडिया इंडस्ट्री एंड मीडिया जॉनरा. होपफुली दैट ये वीडियो जो था ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था. और अगर जितने भी बंदे या बंदी कंफ्यूज है कि वो लोग आर्ट से है और मतलब कि वो लोग को क्या लेना चाहिए, एंड वो लोग को लग रहा है कि भाई मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस लाइक मीडिया फील्ड पे कैमरा वगैरह को लेके, बॉस टेक दिस कोर्स, यू विल नेल इट. सो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ब्लॉग. इफ यू एंजॉयड इट डू नो फॉर द लाइक बटन, एंड इफ यू न्यू इन दिस चैनल देन क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, ज्वाइन दी साहिल जगर फैमिली. मिलते हैं किसी ऐसे ब्लॉग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर.